हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। तो चलो अब आज स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक। पहले समझ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, और उसके लिए फिर न्यूक्लियोफाइल की भी ज़रूरत होगी, राइट। तो इसमें हम करेंगे दो रिएक्शन करेंगे, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, SN1 एंड SN2, सुल्तान नंबर 1 एंड सुल्तान नंबर 2। मैं तो इन रिएक्शंस को ऐसे ही बुलाती हूँ, सुल्तान नंबर 1 एंड सुल्तान नंबर 2, क्योंकि बिना इस सुल्तान के कोई भी केमिस्ट्री का पेपर सेट नहीं होता है, ठीक। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, तो बहुत केयरफुली इसको समझना। सबसे पहले हम लेते हैं सेकेंड नंबर सुल्तान को, SN2 रिएक्शन। देखिए 2 का मतलब क्या हुआ, ये इधर से राइट साइड से पढ़ते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम इधर से पढ़ते हैं ना, लेकिन जब ये SN2 पढ़ते हैं तो हम इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो हम इधर से करेंगे। 2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। मतलब बाय मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इसका मतलब समझ गए बाप, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो अटैक करेगा, ठीक। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। देखो सबसे पहले हम कोई लेंगे हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड लेंगे, क्योंकि उसी की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो अल्काइल हैलाइड लिया। अब अगर आप इस तरह का अल्काइल हैलाइड लेते हो जो पोलर है, अब पोलर कैसे पता चलेगा कि पोलर कंपाउंड है या नहीं है, अगर उसमें काइरल कार्बन होता है, काइरल कार्बन, जैसे ये कार्बन है, इसको मैं स्टार लगा देती हूँ, जो काइरल कार्बन होता है उसको हम स्टार लगा देते हैं। ये जो काइरल कार्बन है इसका मतलब ये होता है कि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, चारों वैलेंसी उसकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के संग अटैच्ड होती है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव अभी बताती हूँ, पहले आप काइरल कार्बन समझ लीजिए। काइरल कार्बन का मतलब ये हुआ कि 4 डिफरेंट जो इसकी वैलेंसी होती है, 4 डिफरेंट वैलेंसी होती है, वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है। अब ये क्योंकि अल्काइल हैलाइड है तो एक तो हेलोजन से होगी, एक तरफ H से हो गई, एक R से और दूसरा R डैश, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है। और R R डैश क्यों लगाया, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। एक सपोज करो मिथाइल हो सकता है, एक इथाइल हो सकता है, ये प्रोपाइल हो गया, कोई सा भी ग्रुप हो गया, फिनाइल हो गया, कोई भी डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे। इस डैश का ये आप 11th में पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, इससे क्या मतलब होता है, ये जो डैश लाइन आपको दिख रही है इट मीन्स इट इज अवे फ्रॉम अस। जो हम इस ग्रुप को देखेंगे वो हमारा जो कार्बन एक प्लेन में है ये हमसे दूर है। 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है। और ये जो वेजेस में दिख रहा है ये क्या हुआ, ये हमारे क्लोज है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया काइरल कार्बन। काइरल कार्बन मतलब जिसकी टेट्रावेलेंसी, जिस कार्बन की टेट्रावेलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है या उससे वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड हो रही होती है। अब इस तरह के जो कार्बन है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जब उनके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा जाता है तो वो उसको राइट या लेफ्ट पोजिशन जो है वो डेविएट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस पर अल्काइल हैलाइड पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होते हैं। देखो दो तरह के होते हैं, पोलर अप्रोटिक भी होता है और पोलर प्रोटिक भी होता है। जो हम SN1 रिएक्शन करेंगे वहां पर पोलर प्रोटिक लेंगे हम सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब तो आप जानते हो कि पोलैरिटी होगी उसमें, ठीक है। और अप्रोटिक का मतलब होता है कि पोलैरिटी है लेकिन वो फिर भी प्रोटोन रिलीज नहीं कर सकता, प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे एसीटोन मैंने एग्जांपल लिख दिया कि आप एसीटोन यहाँ पर एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। अब इसकी क्यों जरूरत होती है, क्योंकि ये जो है इस बॉन्ड को वीक कर देता है। ये जो आप लोगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ये इस बॉन्ड को
वीक करता है और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन लेकर के आता है। जो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन इसकी हो रही है, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो रहा है, इसमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगी। अब देखो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो आप समझ सकते हो कि ये इस साइड से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है, दोनों साइड से कर सकता है। कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये तो है नहीं कि ग्रुप अटैच है, तो ये सामने से नहीं कर सकता, ये पीछे से नहीं कर सकता, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। लेकिन ये बैक साइड से, इधर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों, सोचो जरा। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इट ऑल्सो हैज नेगेटिव चार्ज। और ये जो हेलोजन अटैच्ड है यहां से, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या होगा, यहां पर रिपल्शन होगा। तो इसलिए ये यहां से अटैक ना करके ये बैक साइड से आके अटैक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक एक बात जो मैं आपको बता रही हूं वो सारी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड आ जाएगा वो आपको नहीं पता है, आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करा, अभी देखो इसकी शेप। अच्छा, अब ये आएगा तो यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहां पर स्ट्रेन आएगा। अब जो आप ये देख रहे हो, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर हेलोजन है, ठीक है। तो ये क्या आपको स्टेबल लग रहा है, यहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, पेंटावेलेंट हो गया। क्या कार्बन की वैलेंसी पेंटावेलेंट होती है, क्या कार्बन जो है ये पेंटावेलेंट हो गया, इसकी वैलेंसी चेक करो जरा, 1 2 3 4 5। तो ये तो अनस्टेबल हो गया, पेंटावेलेंसी तो होती नहीं है कार्बन की। अच्छा, ये जिस समय बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। इधर से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के संग बॉन्ड बना रहा होता है और साइमल्टेनियसली ये जो हेलोजन है ये अपना इससे बॉन्ड तोड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही माइक्रोसेकेंड्स में ये रिएक्शन हो जाती है, इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फाइनली हेलोजन जो है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो आ जाता है, फाइनल जो स्ट्रक्चर आता है, जो कंपाउंड बन के आता है, वो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा और तीनों ग्रुप इसके संग आ जाएंगे। अब ये कार्बन जो है वो स्टेबल होता है। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको, देखो, अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो, जो ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, जो ये लगे हुए हैं ग्रुप लगे हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप लगे हुए हैं। और यहां पर आकर के कैसे हो गए, ये इस तरह से हो गए, ग्रुप पलट गए ना, जो ग्रुप्स इधर थे तीन, ये पलट के उधर चले जाते हैं। क्योंकि जब ये यहां से अलग हो रहा होता है, जब हेलोजन इसको छोड़ करके अलग हो रहा होता है कार्बन को, तो एक स्ट्रेन आता है, जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है और जब आंधी आती है, बहुत तेज हवा में आप उसको लेकर के निकलते हो, तो वो एकदम पलट जाता है। तो उस तरह का कुछ यहां पर कहानी होती है। तो ये इसको हम कहेंगे जब ये उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इन्वर्जन। जो ये प्रोसेस जो होता है पूरा, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ये आपको याद रखना है, ये अभी आपको SN1 में भी पढ़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा इन्वर्जन। अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही हुआ, यहां पर हम स्टार लगा देंगे, कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये पूरा जो इसका प्रोसेस है, ये एक पूरे एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है, राइट। ये अब आपको समझ में आ गया इसका मैकेनिज्म। चलिए अब हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। तो SN1 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम इस रिएक्शन की रेट निकालेंगे वो होगी के रेट कॉन्स्टेंट, Rx जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, एंड न्यूक्लियोफाइल, ये इसका एक्सपोनेंट 1। क्योंकि आपने अभी नोट करा होगा जो रिएक्शन मैंने बताई थी, तो आपने उसमें देखा था दो सबस्ट्रेट यूज हो रहे थे, एक तो अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा था और एक न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा था। तो 1-1 मोलर उसके कोफिशियंट कितने थे, 1-1। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट इनका 1-1 आ जाएगा। रेट रिएक्शन इस तरह से लिखी जाती है और इसका ऑर्डर निकालने के लिए 1 और 1 प्लस कर देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। इसीलिए ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन थी। SN2 का मतलब, 2 का मतलब ये 2 यहाँ से आया है, राइट, क्लियर हो गया। इसके बाद सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैकेनिज्म के साथ साथ ये भी ध्यान में रखने हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे एसीटोन ले लीजिए आप,
इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ये हमने अभी देख लिया कि अगर इस तरह से था कंपाउंड तो वो आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये इन्वर्जन हो जाएगा इसका. ये आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट इसके लिख देती हूँ. फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा इसका, फिफ्थ पॉइंट देखिए SN2 रिएक्शन का रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस. मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या समझते हैं, भीड़ भाड़. जहां पर भीड़ भाड़ होगी उस वो इसके लिए एक बैरियर का काम करेगी. जैसे आप कहीं भीड़ में निकल जाओ तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है ना, तो इसीलिए इसी तरह से रेट जो है वो वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस होती है. मतलब जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, इन पर बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब यहाँ पर आप समझ लेते हो जो इसका रेट का ऑर्डर होगा वो किस तरह से, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो किस तरह से होगा. देख ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है किसी भी हेलोजन के संग. अब सबसे पहले यहाँ पर तो कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, सिंपल तीन छोटे छोटे से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के संग, इस कार्बन के संग. एक आप इसको एक्स को छोड़ दो तो ये क्या है, तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये तो 0 डिग्री हम इसको बोलते हैं. ठीक है, अब अगर 1 डिग्री में आप कर दो तो 1 डिग्री कैसे लिखोगे आप, सी यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप दूसरा आ जा रहा है, यहाँ एच कर लो और यहाँ पर आर कर लो, यहाँ भी एच कर लो, ये 1 डिग्री हो गया आपका. अब अगर आपने दो इसमें अल्काइल ग्रुप लगा दिए ये 2 डिग्री हो गया, और अगर तीन आपने यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शरी. तो अब आप इसमें देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है इतने हैवी ग्रुप होते हैं. अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप आ गया, ठीक है, फिर भी उतना फर्क इसको नहीं पड़ा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी नहीं आई, लेकिन आई कुछ तो फर्क पड़ा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा है और अल्काइल ग्रुप तो हैवी ग्रुप होते हैं. ठीक है, उसके बाद जब दो ये आ गए तो इन्होंने और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब 2 डिग्री जो आया इसने और स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है. टर्शरी जब आया तो बहुत बड़े बड़े तीन अल्काइल ग्रुप उससे अटैच्ड हो गए हैं, तो उसको मॉलिक्यूल को स्पेस में उसका प्लेन है वहां पर स्पेस ही कम मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल तो है नहीं, उस तरह से रोटेट करता रहता है, तो उसके रोटेशन में जो है वो हिंड्रेंस आएगी, उसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, तो इसका अगर आप रेट देखोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस तरह से ये रिएक्टिविटी इनकी होती है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जो प्राइमरी है ये तो 0 डिग्री हो गया, प्राइमरी मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी, और टर्शरी बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है SN2 रिएक्शंस में. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसके बाद आ जाता है, ये तो हमने जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं उनकी बात कर ली. अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, अब दूसरा तो ये हेलोजन ग्रुप लगा है ना इसमें, तो हेलोजन के ऊपर अगर हम देखते हैं, हेलोजन में भी आपने देखा है अब तक कई बार आपने ये चीज देख ली है कि जो आयोडीन है इट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे बड़ा होता है, न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका बॉन्ड जो है वो वीक होता है, तो आयोडीन सबसे पहले निकलेगा, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड फिर फ्लोरीन. तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट आज दो पॉइंट इसके कर लिए हैं. ये अभी हम SN1 में भी देखेंगे कि SN1 किस तरह से इससे रिएक्टिविटी शो करता है, SN1 में जो ये होते हैं कंपाउंड्स किस तरह से किन किन चीजों पर डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है, और इसको आप पहले नोट डाउन कर लो फिर हम SN1 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. तो अब समझ लेते हैं हम SN1 रिएक्शन सुल्तान नंबर 1. तो यहां पर 1 क्या बता रहा है, 1 इज यूनिमोलिकुलर, ठीक है, एक मॉलिकुलर रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्टेंट है जो सबस्ट्रेट है वो एक सिंगल है. आप यहां पर देखो ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, यहाँ पर जो हमने ये कंपाउंड लिया है ये सिर्फ एक ही है, यहाँ पर तो कोई दूसरा नहीं है इसके संग, रिएक्टेंट में अकेला रिएक्टेंट है ये. ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इस तरह से ये SN1 रिएक्शन हो जाएगी. अब यहाँ पर आप ये देखिए,
हमने यहाँ पे लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर जो है वो बेस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। उसके अलावा आप एसिटिक एसिड को भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट तो है और हाइड्रोजन आयन्स भी प्रोड्यूस करता है। जो हमने SN2 में लिया था वहाँ पर हमने देखो डिफरेंस, यहाँ पर वहाँ हमने लिया तो पोलर सॉल्वेंट था लेकिन वो अप्रोटिक था, मतलब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। लेकिन जो यहाँ पर हम लेंगे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्रोजन आयन क्या है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और इससे अलग चला जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा था, जो इसकी टेट्रावेलेंसी थी वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रही थी, और यहाँ पर ये तीन जो है ग्रुप इससे अटैच रह गए और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हैलोजन तो यहाँ से निकल गया। अब ये वाला जो स्टेप होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन आयन का निकलना, फिर वो कार्बन और जो हैलोजन है उस बॉन्ड को वीक करना, उसको ब्रेक करना, हैलोजन को वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलना और कार्बोकैटायन बनना। ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, ये स्टेप वन है इसका, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और जो फर्स्ट स्टेप होता है वही जो स्लो स्टेप होता है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइन करता है किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, ये यहां तक हो गई फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब इसके बाद जब ये कार्बोकैटायन है और न्यूक्लियस जो है वो तो इसको ढूंढ ही रहा है, तो यहां पर आ जाएगा स्टेप टू, यहां से स्टेप टू स्टार्ट होगा इसका। आप चाहो तो इसको नीचे से लिख लेना, ये यहां पर लिखो स्टेप टू हेडिंग डालो और उसके बाद यहां से कंटिन्यू करो। तो कार्बोकैटायन जो है अब न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो भाई यहां पर तो हैलोजन है नहीं, SN2 में क्या था, हैलोजन जो है वो बैरियर बन रहा था, वो क्या कर रहा था क्योंकि वहां पे रिपल्शन हो रहा था, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल था उसने बैक साइड से जाकर के अटैक करा था। कायर नहीं है वो कि उसने बैक साइड से अटैक करा है, ये रीजन है, लॉजिक है उसके पास कि वो क्यों बैक साइड से जा रहा है, क्योंकि वहां उसका दुश्मन खड़ा है, उसको उससे दोस्ती नहीं करनी है, वो उसको भगाता है वहां से। ठीक है, तो वो आकर अब यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इधर से भी फ्री अटैक करने के लिए और इधर से भी फ्री अटैक करने के लिए, तो दोनों तरफ से अटैक करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे, कंपाउंड सेम रहेंगे, सिर्फ उनका जो प्लेन में एक प्लेन में जो उनका प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ने अगर इधर से अटैक करा तो ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा, सेम स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन आर आर डैश और न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू दिस वन, जो हमने सबस्ट्रेट लिया था बिल्कुल उसी की तरह स्ट्रक्चर आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये रिटेन कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, अपना जो प्लेन में इसका स्ट्रक्चर है, जो प्लेसमेंट है इसके ग्रुप्स का, उसको रिटेन कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड रिटेंशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, रिटेंशन। अब अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर के अटैक करेगा तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। यहां पर क्या हो गया, अभी हमने SN2 में पढ़ा था इन्वर्जन। ठीक है, ये हो गया इन्वर्जन, मतलब जो इस तरफ थे ग्रुप लगे हुए थे वो पलट के उधर चले गए, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। ठीक है, ये इन्वर्जन हो गया। और अब ये याद रखना है आपको कि एक ही सॉल्यूशन में ये दो तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, एंड दिस इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी टर्म्स। कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ नहीं पता, यही पूछा जाएगा बस। जितने वर्ड्स मैं आपके सामने यूज कर रही हूं या जो मैं आपको लॉजिक बता रही हूं, क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाएगा, या जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए। ठीक है, तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, फिर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट जो स्टेप होता है, पहले तो ये आप लिखिए कि टू स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, टू स्टेप रिएक्शन, यहां पर मैं लिख देती हूं टू स्टेप रिएक्शन। ठीक, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो RDS होता है, ये बताया था आपको कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये रेट डिसाइड करता है
कि रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो है या फास्ट है. ओनली वन रिएक्टेंट होता है. वन रिएक्टेंट कौन सा हो गया? आरएक्स, जो अभी आपने बनाया था स्ट्रक्चर, उसको जरा देखते रहिए साथ साथ. जो आरएक्स हमने लिया था ये क्या था? ये हमने जो पूरा लिया था ना कि आर के संग, जो कार्बन के संग एक आर, एक आर डैश और हाइड्रोजन टैच है. अब मैंने पूरा एक अल्काइल ग्रुप लेकर के आपको समझा रही हूँ. आर इज जो पूरा अल्काइल ग्रुप है उसको हम आर बोल रहे हैं. आर से हेलोजन अटैच है. तो ये एक ही रिएक्टेंट लिया था ना आपने, तो हम इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू रेट लॉ और आर एक्स वन. इसका एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा? वन, क्योंकि कोफिशियंट वन आ रहा था. ठीक है, ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा? वन. जो यहाँ पर पावर होती है वही इसका ऑर्डर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा. SN2 में क्या था कि दोनों की एक एक पावर थी, दो रिएक्टेंट थे दोनों की एक एक पावर थी, तो उनको हमने ऐड करके क्या कहा था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये सब आप फिजिकल में पढ़ोगे. ठीक है, अच्छा. इसके बाद ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेसमिक मिक्सचर. ये पता होना चाहिए आपको व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर. इसी पर बेस्ड इस तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें आप ये समझ लो ये तो आना ही आना है, लेकिन किस तरह से यही टर्म्स के फॉर्म में पूछा जाएगा क्वेश्चन. बहुत तरह से इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं रेसमिक मिक्सचर. और इसकी जो रेट है, हमने जो SN2 में देखा था वो रेट किस पे डिपेंड कर रही थी? वन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस. मतलब जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी रेट उसकी ज़्यादा होगी. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है यहाँ पर, तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट. गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर जो हमारी इसकी सिक्वेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री. आपको पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, दैट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. आपने ये 11th में पढ़ा था. जैसे ये है, यहाँ पर R है, यहाँ R है, ये R है, ये कोई भी हाइड्रोजन समझ लीजिए, तो ये क्या हो गया? ये 3 डिग्री हो गया. तो जो 3 डिग्री कार्बन होता है दैट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो ये तब बनेगा ना, ये. ठीक है, तो टर्शरी जो है वो मोस्ट स्टेबल हो गया, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एंड देन जीरो ऑर्डर. तो ये आपको ध्यान यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑर्डर पर तो बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी 90% होती ही होती है. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेज आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं. कैसे करते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैकेनिज्म समझा रही तब बताया था. जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और हाइड्रोजन आयन क्या करता है? वो आर एक्स बॉन्ड को वीक कर देता है, और वीक करता है तो वो रेट जो है उसकी बढ़ जाती है. मतलब वो रिएक्शन एक तरह से कैटेलिस्ट का काम करने लगता है. कैटेलिस्ट का नहीं करता, मैंने रीज़न आपको लॉजिक बताई थी कि लॉजिक क्या होती है उसकी. लॉजिक उसकी ये है कि वो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा कार्बन के ऊपर. पार्शियल पॉजिटिव था हाइड्रोजन, और जा करके वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसका बढ़ा देगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उसकी इंक्रीज करेगा. उससे क्या है कि हैलोजन जो है वो बेचारा परेशान होकर के अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और निकलता बनेगा. ठीक है, तो इस तरह से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है. अब आप ये स्टेप्स नोट कर लीजिए, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए. और अभी हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे SN1 और SN2 में. तो जो जस्ट गो थ्रू हो जाइए फटाफट जो आपने SN1 और SN2 भी पढ़ा है, और इन पॉइंट्स को नोट करिए. तो अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होते हैं. डिफरेंस भी कई बार पूछे जाते हैं. तो अभी पहले वीडियो को आप पॉज करिए, और पहले आपने जो समझा है नोट डाउन भी करा होगा, तो पहले आप अपने आप कुछ डिफरेंस लिखिए, और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. पॉज करके वीडियो को जल्दी से लिखिए, आप जितने भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6 जितने भी आपको याद आ रहे हैं आप लिखिए पहले. चल हो गया. अब देखिए SN1 में अगर आप देखेंगे तो 1 से ही पता चल रहा है यूनिमोलिकुलर है, 2 से पता चल रहा है बाईमोलिकुलर है. ठीक है, ये ध्यान रहेगा. रेट आप कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के रेट कॉन्स्टेंट आर एक्स. मतलब एक ही रिएक्टेंट है, ये 1 आ गया रिएक्टेंट. ठीक, और यहाँ पर जो SN2 था उसमें 2 रिएक्टेंट थे, एक अल्काइल हैलाइड था और एक न्यूक्लियोफाइल था, 2 रिएक्टेंट थे. इस तरह से हमने रेट लिखी थी इसकी. चेक करते जाइएगा जो आपने लिखा है कि आपने कौन सा पॉइंट मिस करा है. मॉलिकुलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वो 1 हो जाएगी इसकी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
वन एक्स का जो पावर है वो वन आ रही है, और यहाँ पर पावर वन एंड टू, तो ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, टू। एस एन वन जो है, नाम उसका एस एन वन है, सुल्तान वन है, लेकिन ये दो स्टेप में रिएक्शन करता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बार बार फोर्स कर रही हूँ इस बात पर, आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ कि ये टू स्टेप रिएक्शन होती है और एस एन टू वन स्टेप रिएक्शन होती है। एस एन वन में जो आप न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और एस एन टू में क्योंकि एक ही बार में न्यूक्लियोफाइल को अपना काम करना होता है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ आर ओ आर क्या होता है, थ्री डिग्री, देन टू डिग्री, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड देन जीरो डिग्री। तो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही थी, इसकी जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है जो आर ओ आर है वो किस पर डिपेंड कर रही थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑर्डर ऑफ आर ओ आर जो है एस एन टू का किस क्या होता है, पहले मिथाइल ये हैलाइड हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल हैलाइड हो गया, फिर वन डिग्री, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री। और यहाँ पर क्या हम लगाते हैं लॉजिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट करें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए और इसको चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे अभी और हैं दो तीन पॉइंट्स, मैं उनका भी कंपैरिजन आपको बताती हूँ। नोट करो इसको पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोलर एस एन वन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, वाटर या सी एच थ्री सी एच। पोलर प्रोटिक मतलब जो पोलर हो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाए, रिलीज कर सकते हैं, वो पोलर प्रोटिक हो गए। और एस एन टू में क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन, ये यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर हम आर ओ आर लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, अभी तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी के बेसिस पर देख लिया था, अब अगर हम हेलोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, आयोडीन, क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो आर आई जो है ये सबसे रिएक्टिव होगा, देन आर बी आर, देन सी एल, देन एफ, ठीक है। और सेम जो सिक्वेंस है वही हमारी एस एन टू में भी रहती है, यहाँ पर एस एन टू में सेम रहेगा। अब इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन के दोनों के मिक्सचर मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो एस एन वन हो गया रेसमिक मिक्सचर और एस एन टू हो गया इन्वर्जन। इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन इन्वर्जन इज फॉर्म्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट सुल्तान रिएक्शंस, सुल्तान नंबर वन, सुल्तान नंबर टू। और ये आज आपने अपना टू मार्क्स का, और ज़्यादा ज़्यादा कहें तो थ्री मार्क्स का भी कई बार आ जाता है, तो ये आज आपने इतना अपना टू थ्री मार्क्स का जो बोर्ड का पेपर है उसका क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार कर लिया है। तो अब इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, और लास्ट में क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लेंगे आगे की और रिएक्शन। Yeah.